मंकी को बादाम खिला रही हूँ। हेलो, सारा देंगे, सारा देंगे। अरे भाई फिर भी दे रहा है भाई। देखिए मैं ना मंकी के बीच में बैठी हुई हूँ, मतलब इनका बाल यार रफ है, इतना मस्त है कि क्या ही बोलेंगे, रफ रफ है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे न्यू वीडियोस में। कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी को ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग एकदम सुबह सुबह, अभी सुबह का 6 बज रहा है, सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं रेडी वेडी होके होटल से। ठीक है, एक्चुअली हम लोग को आज टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे 5-6 जगह है, जहाँ पे कोणार्क मंदिर है, जहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हमको पता नहीं है। ठीक है, तो पहली बार आए तो वहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो हमारे 7 बजे बस है, तो हम लोग बस से हम लोग जाने के लिए हमारा वो हो चुका है कन्फर्म। तो प्लेस बस वाला जो प्लेस है वो साइड में उधर कहीं है, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद से हम लोग अभी क्या है ना, वहाँ जाने के बाद सब 3-5 जगह ऐसा है, 3-5 जगह ऐसा है जहाँ पर हम लोग को जाना है, तो अभी वहीं पर चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। जितना मेरे से पॉसिबल हो जाए, हो पाएगा, मैं आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं, ठीक है, आगे चलिए। फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जगह का कौन सा नाम है बोला था लोग? उड़ान हाट। क्या पता कौन सा घाट? उड़ान हाट, उड़ान हाट आई थिंक, पता नहीं। तो यहाँ पे जितना भी सारे टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट बस सब यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है। तो हमारा जो बस का नाम है वो जय दुर्गा है, तो हमारा वो नहीं है, त्रिशक्ति है, तो वो वाला हमारा सीट भी कंफर्म हो गया, सब कुछ हो गया। और अभी हम लोग थोड़ा सा इधर खड़े थे नाश्ता वास्ता करने के, थोड़ा सा सुबह से मिल जाएगा खाने वाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और कुछ नाश्ता वास्ता भी अभी ले लेंगे, उसके बाद जाके खाएंगे और आराम से बैठते हुए खाते हुए आराम से जाएंगे। देख सकते हैं इधर हुआ है बस, सब इतना सारा फिल्टर भी लगा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लोग नाश्ता वास्ता ले रहे हैं, इधर खा रहे हैं, देख सकते हैं नाश्ता। सो गाइस अभी हम लोग बस में बैठ ही चुके हैं, हम लोग का सीट तो यार बहुत लास्ट में दे दिया है, एकदम पीछे में। क्या ही बोलेंगे, पता नहीं कब छूटेगा। 7 बजे यहाँ से छूटने का टाइमिंग था, वो लोग बोले थे हम लोग 7 बजे तक यहाँ से छूट जाएगा, लेकिन बट अभी तक छूटा नहीं है। कितना 7 से ज़्यादा हो गया, 7-3 हो रहा है, फिर भी अभी तक छूटा नहीं, और बहुत पसीना भी आ रहा है बस के अंदर में। बाकी दोनों आगे में बैठे हैं, दोनों आगे में बैठे, फिर हम दोनों पीछे में बैठा हुआ है। हम लोग आ चुके हैं चंद्रा भागा, और हमारा ये वाला बस में हम लोग आए हुए थे, जोशेदा बस का नाम है। और तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग जिस बस से आए हैं वो हमको बोल रहे हैं, जो बस का जो कंडक्टर था है, जो भी बोलिए जैसे आपको ठीक लगे, तो उन्हीं जो बस में आए हैं वही हमको साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पर बस हम लोग को 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं यहाँ पर मज़ा आ रहा है। बाकी इतना सारा टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, सबका बस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़े ही देर हैं, और देख सकते हैं पीछे तरफ इतना सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, और हम लोग ओह माय गॉड। अरे किधर है भाई तुम लोग? Oh,
सब तरफ लोग ही लोग हैं और देख सकते हैं यहाँ पे तो आप गाड़ी वाड़ी के तो है, चलाना चाहे तो चला सकते हैं। बाकी ये जगह बहुत सही लग रहा है। ओहो, तो चलिए चलते हैं गोलू की तरफ क्योंकि हम अकेले इधर आ गए थे खास कुछ देखने के लिए, अगर कुछ ऐसा अच्छा हो करके। घूम लिए थोड़ा सा क्योंकि 15 मिनट का टाइम था और अभी खाने के लिए कुछ यहाँ पे लेके जा रहे हैं। 20 वाला एक पैकेट दीजिएगा, ठीक है? वहाँ पे कितने का दिए? अरे मेरा बस में छूट गया, जो खुद आ रहे और जा रहा है यार, हद है। चलो चलो चलो, सभी हम लोग जा रहे हैं नभर घाट टेम्पल, आई थिंक हाँ वही कोणार्क टेम्पल जा रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं कोणार्क टेम्पल, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। गाइस इतनी इतने लोग देख सकते हैं आप लोग, इतना भी आप लोग देख रहे हो, इधर पुलिस वोलिस भी आया हुआ है, जितना भी आप लोग देख रहे हैं सबको ही, और सबको यहाँ पे टूरिस्ट ही आए हुए हैं ज़्यादातर घूमने के लिए। और मैं कोणार्क दिखाती हूँ आपको, एक बार देख सकते हैं। तो हम लोग अभी कुछ देर के बाद हम लोग सामने की ओर जाएंगे और हाँ? क्या हुआ? तो गाइस अभी हम लोग का एंट्री हो चुका है, टिकट ऊपर सब कुछ का टिकट ऊपर एकदम एंट्री हो चुका है, बस कुछ ही ये रहा पूरा सामने में, इतना पास हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग अंदर की ओर अभी बढ़े, ठीक है? वाओ नाइस यार, बहुत सही लग रहा है। अरे वीडियो मोबाइल फोटो पास में दिखाई, फोटो खींचने 10 मिनट टाइम मिलेगा। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ से अंदर की ओर फिर बढ़ते जा रहे हैं और काफी प्यारा लग रहा है गाइस, आप लोग को तो पीछे से पता ही होगा और दिख भी रहा होगा, तो देख सकते हैं आप सब। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और हम लोग बस टीम के साथ, तो हम लोग को टीम के साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर बस कभी भी निकल सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग एक घंटे का टाइमिंग दिया हुआ है घूमने के लिए, तो हम लोग कम से कम एक घंटे में जितना हो सके मेरे से उतना हम दिखाने की कोशिश पूरा पूरा करेंगे। गाइस बहुत मजा आ रहा है घूमने के लिए और काफी घूमे हम लोग, पूरा राउंड मारे। वैसे तो यहाँ का मूर्ति कलाकार बहुत ही, भाई जो आया है उसको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा है। बाकी इधर का जितना मतलब फोटोज के लिए भी बहुत सही है, एंड आप अगर कोई शूट वूट कर रहे हैं तो भाई उसके लिए बहुत सही है क्योंकि हम लोग को तो भाई आके बहुत ही मजा आया था बोल रहे। और बाकी आकाश लोग से हम लोग थोड़ा सा छूट गए, कोई बात नहीं, वो लोग आते रहेंगे कुछ देर में, सोचे कि यही पे ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो भाई पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं जितना वो मेरे से, हम दिखाने की पूरा कोशिश की है एंड पूरा राउंड भी मार के आप लोग को दिखाया है। बाकी सारा तो सारा चीज़ें एक ही है, मैं कितना एक ही चीज़ को बार बार दिखाती तो आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं अलग अलग चीज़ें दिखाने की कोशिश की, ठीक है? सभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है हमारा जाने का, क्योंकि भाई हम लोग तो क्या ही बोलेंगे यार, हम लोग को पता होता बस वाला इसे करके करके ना, तो हम लोग खुद का गाड़ी एक बुक करके आते, अपना मन इच्छा जितना देर होता है उतना देर घूमते फिरते, क्या करेंगे, हम लोग ट्रिप में आए हैं भाई, बस वाला तो टाइम से जाना होगा, नहीं तो बस चला जाएगा लोकेशन दूसरे वाला लोकेशन पे, ठीक है? तो इसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा जल्दी, जैसे जितना जल्दी हो सके हम लोग किए और अभी फटाफट जा रहे हैं। अभी हम लोग के पास आधे घंटे टाइम है, आधे घंटे में हम लोग को बस के पास में पहुंचना है और जो कुछ भी खाना है, और उसके बाद से खाने के लिए बिल्कुल टोटल ही टाइम नहीं मिलेगा। अभी जैसे कभी बता देती हूँ, अभी 10:30 हो रहा है, 11 बजे बस छूटेगा बोल रहा है, तो अभी एक ही बार रात तक अगर अभी कुछ नहीं खाएंगे आधे घंटे के बीच में, तो रात तक हम लोग को भूखा रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अभी जैसे भी करके यहाँ से फटाफट निकल रहे ताकि हम लोग आगे जाके कुछ खा भी लें, पी भी करके फटाफट। अच्छा उधर है एग्जिट गेट, ओ माय गॉड इतना दूर है यार एग्जिट गेट, उधर से एग्जिट होने के लिए बोल रहे हैं, हाँ इधर से नहीं। एक गोल्डन लड़का मुझे पसंद आ गया है तो मैं जा रही हूँ उसको प्रपोज करने के लिए, अप्रोच करने के लिए।
सो गाइस देख सकते हैं, हेलो सो गाइस देख सकते हैं, ये रहा गोल्डन बॉय। एक चीज ही छोड़ दीजिए, पूरा गोल्डन स्टैचू बन के खड़ा हुआ है भाई। मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था, मेरे को ले जाता था, डर लग जा रहा था यार भाई, छोड़ नहीं रहा था यार, हाथ पकड़ कर ऐसे कर रहा था सच्चे। पहले जमाने के लड़कों लोग ऐसे ही बच्चा, और अरे ऐसे ही बच्चा ऊपर में टांग के लेता था यार, मेला देखने मेरे पापा मेरे को लिया है, मुझे याद है। फिर से हम लोग अभी बस में आके बैठ चुके हैं, अब कनर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब पता नहीं यार नेक्स्ट लोकेशन सर भुवनेश्वर का है मुझे जहाँ तक लगता है, तो अभी भुवनेश्वर जाएंगे यहाँ पे, अरे छोड़ो करे भुवनेश्वर जाएंगे, कॉर्नर पूरी हो चुका है, अब भुवनेश्वर के लिए निकलेंगे। भुवनेश्वर में जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे कहाँ पे घुमा रहा है क्या कर रहा है। अभी हम लोग आए हैं भुवनेश्वर, वो ये लोग लेके आए हैं टूरिस्ट वाला जो बस से आए थे, जहाँ जहाँ घुमाना था, तो भुवनेश्वर लेके आए हैं, अभी लिंगराज टेम्पल लेके आए हैं। तो यहाँ पे अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है, फ़ोन चप्पल कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम लोग खाली पैर में जा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं पैदल चल चल के, बाकी लोग भी खाली पैर आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। और अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी हम लोग भी फ़ोन को अंदर में बाहर में छोड़ के जाएंगे, और मैं इसको पीछे तरफ से बैक कैमरा से दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है। अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग ये सब बातें जानते होंगे। हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, वो जो वो मंदिर, कौन सा मंदिर है, लिंगराज। हाँ गाइस मैं थोड़ा सा भूल जा रही हूँ, पहली बार सुनी और पहली बार आई हूँ, तो लिंगराज तो पहाड़ से मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, यहाँ का कुछ इस टाइप का है, देख सकते हैं। अब अंदर तो हम लोग अलाउड नहीं था, तो हम लोग अंदर से बाहर आ ही गए, अभी चलते हैं। चलो तब चलते हैं, क्या बोल, चलो क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। अभी अभी कैसे रहता है, ठीक से? अभी हम लोग को लेकर आया हुआ है खंडा गिरी, जहाँ की यहाँ पर खास करके जितना भी हमारे हनुमान जी का रूप में जो है मंकी समझे बंदर समझे जैसे आप समझ सकते हैं, उनका तो हजारों नाम है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोग को लेके आए, यहाँ पे हम लोग आधा घंटे टाइम दिया गया है, और सच बोलूँ ना गाइस तो हम लोग खुद पछता रहे कि बस क्यों हम लोग बस आए हैं, चक्कर में फंस गए, सच बता रहे हैं। सब गाड़ी रिजर्व किए होते तो अपना मर्जी से घूम सकते थे, सब चीज़ कर सकते थे, बट ऐसा छोड़िए क्या ही बोलेंगे, अब आ गए तो आ गए, फंसता क्या फायदा। तभी हम लोग अंदर की ओर चल रहे हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं यहाँ का, खंडगिरी के अंदर में आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे बंदर देखने को मिल रहे हैं। यार टेप का है जैसे कि देख सकते हो, और सामने में मंकीज वगैरह देख रहे हैं आप लोग कैसा उन्हें खेल रहा है, ठीक है। फिर इधर भी देख सकते हो कुछ इस टेप का है, देख सकते हैं, मंकी को बादाम खिला रही हूँ। हेलो सारा देंगे, सारा देंगे, अरे भाई फिर भी दे रहा है भाई। नहीं गो गाइस आकाश को दौड़ा रहा है बंदरी, देख सकते हैं खत्म हो गया, तीनों परिवार बैठा हुआ है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, हाँ बस प्यार से देखो। गाइस ये इसका बेबी है आई थिंक, हाँ ये उसका बेबी है, और देख सकते हैं पूरा फैमिली यहाँ पे बैठा हुआ है लोग, और क्या, ओहो ये बहुत अच्छे से बिस्किट खा रहा है यार। गाइस देखिए मैं ना मंकी के बीच में बैठी हुई हूँ, मतलब उनका बाल यार रफ है, इतना मस्त है कि क्या ही बोलेंगे, रफ रफ है, कान इनका इतना काला क्यों है पता नहीं। फेस भी काला है, कुछ लोग तो गोरे होते हैं ना, नहीं नहीं है सॉरी माफ करो, मैं उठ रही हूँ भाई, छुओ मत मुझे बहुत डर लगता है यार। लड़का वाला रहता है तो ज्यादा बदमाशी करता है सुनने में आता है ना, लड़की वाला ज्यादा कुछ बदमाशी नहीं करता है ना, तो वो दोनों मम्मी से तो मेरा फीलिंग समझ सकती है। गाइस
गाइस बहुत घूम लिया आज के लिए, अब मन नहीं कर रहा है घूमने का यार। बहुत ज़्यादा थक गए। सही बात है, अब बिल्कुल मन नहीं करता घूमने का। सभी हम लोग नंदन कनन आए हैं और अभी यहाँ पे हम लोग लेके जाया जा रहे हैं, तो अभी अंदर की ओर चलते हैं। कहाँ से क्या मिलने वाला है, व्हाइट टाइगर बोलो बोलो, यहाँ पे व्हाइट टाइगर मिलेगा। अब अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि हमारा भाई फर्स्ट टाइम है, सब कुछ ही फर्स्ट टाइम है। तो टीचर वेट करते हैं पूरा ग्रुप में हम लोग को लेकर जाया, कस्टमर से चला भी नहीं जा रहा है यार। किधर जाना है गाइस? अभी हम लोग आ चुके हैं एंट्री गेट के सामने और आप लोग को मैं एक बार बैक कैमरा से दिखा देती हूँ यहाँ का एंट्री गेट कि कैसा है कैसा नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो देख सकते हैं ये रहा हमारा एंट्री गेट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओडिया से और इंग्लिश से नंदन कानन करके। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को बता दूँ एंट्री करते ही इधर आता है टिकट काउंटर, ठीक है? फिर एक एंट्री गेट आ गया है हमारा, जिसे मैं आप सबको दिखा दूँ। यहाँ से फिर एक बार हमारा एंट्री होगा, यहाँ से फिर एक बार हम लोग एंट्री करके घुसना पड़ेगा। साइड में खड़े होने के लिए बोल रहा है क्योंकि हमारा जो ग्रुप अभी तक इधर आया नहीं है, हम ही लोग सबसे पहले आ चुके थे, तो अनाउंस कर रहा है कि टिकट हाथ में रखो पहले। यहाँ से लाइन लग के जाना पड़ रहा है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा दूँ। सो गाइस पूरा फाइनल वाला एंट्री हो चुका है, टिकट विकेट के साथ में तीन गेट पार किए तब जाकर पूरा अंदर की ओर हम लोग मतलब आ चुके हैं। ओहो गाइस क्या ये बताएंगे यार। और जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं वैसे ही यहाँ पे कुछ स्टेप का दिखता है, मैं आप लोग को सामने से जाके दिखाती हूँ कुछ स्टेप का दिखता है, ठीक है? बेबी लोग को पहले एंट्री होता है, तो सबसे पहले हम लोग अभी के लिए अंदर घुसते हैं, यहाँ पे अंदर की ओर यहाँ पे घुस रहे हैं, जो कि यहाँ पे खाली छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे खेल सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बेबी लोग में आए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो बट बारिश आने लगा तो इसकी वजह से हम लोग को निकलना पड़ा, क्योंकि छत्ता होता होटल में है लेके आए नहीं है, मौसम सही था, अचानक से ऐसे कर दिया शाम का टाइम, बाबू भीग जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, इस सोच के हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। भाई हम ही लोग नहीं, बहुत कोई आ रहा है, नीचे में बारिश से गिरा हुआ टिप टिप टिप, मतलब अभी अभी स्टार्ट ही हो रहा है बारिश, तो इसकी वजह से हम लोग आ रहे हैं। सॉरी गाइस नंदन कनन का ये मैं वीडियोज़ पूरा नहीं दिखा भाई, सॉरी। फिर कभी आऊँगी तो आप लोग को पक्का वाला दिखाऊंगी, ठीक है? अब चलते हैं फटाफट हम लोग बस के पास। तो गाइस जैसे कि मैं आप सबको बताऊं, आज हमने पता है टोटल कितने लोग सब हम लोग घूमे? पहला गए थे हम लोग यहाँ से चंद्रभागा, सेकंड गए थे कोणार्क, जो कि सन टेंपल है, कोणार्क सन टेंपल, हां तीसरा गए थे वहां से हम लोग भुवनेश्वर गए, हां भुवनेश्वर, सबसे पहले गए तो लिंगराज टेंपल घूमे, तीन नंबर लिंगराज टेंपल घूमे, उसके बाद हमारा गए खंडगिरी, उसके बाद गए हमारा लास्ट लोकेशन था जो वो था नंदन कानन, मतलब हम टोटल पांच लोकेशन में गए थे, ठीक है? घूमने
करने के लिए। और पांचों का ब्लॉग आप लोग तो देख ही चुके होंगे, एक ही दिन में मुझे करना पड़ा। रीजन ये है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जिस दिन पूरी आए ना, उस दिन ट्रेन वालों ट्रेन में जिस दिन पूरी पहुँचने वाले थे, जस्ट पूरी पहुँचने के लिए हमारे पास 2 मिनट था। उसमें से एक अंकल आए थे, कुछ एजेंट के थ्रू था क्या पता नहीं, वो हमको बोले ना कि अगर खुद का अगर गाड़ी रिजर्व करके जाओगे ना तो बहुत खर्च हो जाएगा, दिस डैट ये वो। तो हम बोले कि अगर हम लोग बस है, टूरिस्ट वाला, हम लोग बस है हमारे पास, अगर चाहो तो हमारे टूरिस्ट बस में हम लोग ट्रेवल कर सकते हो कम पैसों में, कम खर्च में, वहाँ पे हम लोग को बस में जाएगा 30-40 आदमी, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो हम लोग ने ठीक समझा पूजा सब कुछ, वो लोग हाँ जो जो कि हम लोग किया। और हर उस दिन बात हुआ था कि हर टेम्पल हर जगह पे जाएंगे तो 1-2 घंटे टाइम दिया ही जाएगा, ऑटोमेटिक ये चीज़ बात हुआ कन्फर्म वाला। उसमें टिकट भी एडवांस 100 रुपये भी दिए थे। ट्रेन से उतरने के बाद वो हमको ऑटो बुलवाया, ऑटो बुलवाने के बाद हम लोग को होटल लेके छोड़ दिया, अपना सस्ता होटल हम लोग ढूंढ के रहने लगे, ठीक है। ये बात हुआ, दूसरा दिन बोला कि ऑटो आपको लेने आएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। दूसरा दिन घूमने जब जाएंगे पूरी टेम्पल जो भी जगन्नाथ कहीं कहीं वहाँ वहाँ जहाँ भी जाना है, कोणार्क वोनार्क सब कुछ, ठीक है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो आया नहीं, ठीक है, आया नहीं। फिर हम लोग गए, फिर बस वाले के पास गए। तो भाई बस वालों के चक्कर में तो मच्छी पाड़ना, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, भले 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा चला जाएगा, खुद का गाड़ी रिजर्व करके जाओगे ना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें क्या होगा ना, समय दे पाओगे, टाइम दे पाओगे, आपका मन इच्छा का फोटो उठा सकते हो हर चीज़। पता है मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं 5-5 जगह घूमी हूँ, 5-5 जगह से मैं अभी तक ये बोल रही हूँ कि मैं अभी तक खुश नहीं हूँ, ना ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं अभी तक उस इन्जॉय ही नहीं कर पाई हूँ। बस जाती हूँ, देखती हूँ, भाई इतना हम लोग को जाने में ही इतना टाइम लग जाता था, मतलब बस में जाता था कुछ 2-2 घंटा टाइम देंगे, 1 घंटा टाइम देंगे, बोलता है 15 मिनट कहाँ पे, आधा घंटा ऐसे ही से हम लोग को टाइम दिया गया। तो मैं तो भाई आप सबसे उम्मीद यही करूँगी कि दोबारा अगर कभी भी, अगर मैं तो खुद आऊँगी दोबारा, तो मैं कभी भी बस में ट्रेवल नहीं करने वाली थी। ये हमारा फर्स्ट टाइम था हमारा, तो हमें मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बस के चक्कर में, कम खर्चे के चक्कर में मत ही पड़िए। भाई पूरी आया है घूमने के लिए, क्या बोलो, टूरिस्ट प्लेस आ ही रहे, तो भाई थोड़ा बहुत तो खर्च हो ही जाता है। तो 1-2 हज़ार और ही सही, लेकिन खुद का गाड़ी ही रिजर्व करके करिएगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि भाई ये लोग पता है तुम्हारा पैसा वैसे भी देगा कि नहीं देगा, मुझे तो ये इस चीज़ के लिए भी डाउट हो रहा है, क्योंकि हमारा 2 दिन का टिकट वो भी कन्फर्म पहले से ही सारा पैसा वो लोग ले लेता है, ठीक है। सारा पैसा ले लेने के बाद कोई गारंटी नहीं कि वो लोग पैसा देगा कि नहीं देगा। आज हम लोग जैसे कहना बात करने का मिस भी, अब हर चीज़ में मतलब ऐसा उल्टा सीधा है। और मैं जो बोल रही हूँ इसमें से 100% सच्चाई है। अगर जो बस वाला देखेगा तो क्या सोचेगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हमारे साथ ये चीज हुआ है। हमारा सीट नंबर पता है कितना था, 7-8 और 11-12 क्या हुआ जानते हैं, आगे में मेरा सीट था, हमको पूरा बिठा दिया है पीछे में, जानते हैं। जब वो जो हम लोग का टिकट जो ले रहा था उसको हम लोग बोले, तो भाई पूरा उसको ओडिया लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल रहे पता है, पूरा ओडिया लैंग्वेज में गाली तरह, जैसे भाई मैं राउरकेला की लड़की नहीं, मुझे ओडिया लैंग्वेज आता ही नहीं, गाली तरह। फिर हम बोले ना, हम लोग पूरे स्पेस घूमने, अगर हम लोग कुछ अगर उल्टा सीधा बखड़ा करें तो सर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ किए नहीं, ऐसा ऐसा होता है। तो गाइस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग कभी भी अगर पूरी आ रहे हो तो बस से सजेस्ट या बस से टूरिस्ट प्लेस ये जाने का डिसाइड ना ही करें तो सबसे बेटर होगा। भले 1-2 हज़ार और खर्च करके अपना खुद का गाड़ी बुक कर लो और खूब इंजॉय करो, क्योंकि वैसे में क्या होगा, खुद का इंजॉय कर सकते हो, टाइम दे सकते हो। हम लोग पता ढंग से फोटो तक से नहीं उठा पाए, इतना 5-5 प्लेस गए ढंग से मैं फोटो भी नहीं उठा पाई। अब सबसे यही रिक्वेस्ट है गाइस, अब बाकी वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। आई नो थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है पांचों मिक्स पूरा दाल भुजिया पूरा डलमा बना दिया हूँ, समझ रही हूँ, मतलब सारा उसको मिक्स करते हो, सॉरी उसके लिए, बट क्या ही करूँ गाइस, मतलब इससे कौन करता है, तुम खुद ही समझ सकते हो यार। अगर जो आप पहले आए हो और जो आए हो और बस में हो कि बात वही है, और रहने वाला होटल सब मिलल जुलल रहता है, किसी का अंडर में जाके ये मत बोलना भाई ये होटल में जाओ सही होटल में जाओ, किसी का सुनना नहीं, खुद आना, खुद से होटल पता करना, जैसे हम लोग खुद से पता किए और सस्ता होटल हम लोग को 700 में मिला है, ठीक है। सबको बोलेगा 1000-1500 भाई किसी का सुनना नहीं है, ठीक ना। तो जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं।